हेलो। तो ये एक क्वेश्चन को देखते हैं जो फैक्टोरियल नोटेशंस के ऊपर है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बस उसी स्किल को यहाँ पे चेकआउट किया है। क्या बोल रहा है कि द 10th डिजिट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल up to the 49 फैक्टोरियल, इन सब का सम करेंगे तो उसका 10th डिजिट क्या होगा। अब सब फैक्टोरियल को अलग अलग कैलकुलेट करके अगर आप सम करते बैठेंगे तो आपको पूरी शाम भी हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन कवर नहीं होगा। तो अब इसको आप कैसे करते हैं, तो जैसे फैक्टोरियल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप टेक्निक अप्लाई करते हैं कि जैसे 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल है, और 4 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल है, और या 5 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल है, बस उसी टेक्निक को यहाँ अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि उस फैक्टोरियल नोटेशंस को चेकआउट करेंगे जिसमें कि 10th डिजिट, जिसमें 10th डिजिट 0 आ जाए और यूनिट डिजिट भी 0 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर उस फैक्टोरियल नोटेशन में जिसमें कि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट 0 0 आ जाए, तो इसका मतलब आगे के जितने भी फैक्टोरियल नोटेशन होंगे उन सब में यूनिट डिजिट और 10th डिजिट 0 होगा। तो फिर उसके पहले वाले जितने भी फैक्टोरियल नोटेशन रहेंगे उनका सबका सम ले लेंगे और फिर वहां से हम उसका 10th डिजिट टोटल का सम 10th डिजिट निकाल सकते हैं। करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स, 1 फैक्टोरियल में आते हैं, ये 1 होता है, 2 फैक्टोरियल ये 2 होता है, 3 फैक्टोरियल ये आपका 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720। यहाँ तक के तो सबको ऑलमोस्ट याद ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कितना होगा, तो आपको 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5040 आएगा, ठीक है। फिर आते हैं 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 5040 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 40320, 40320। और फिर आते हैं 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अगर आप चेकआउट करते हैं तो 3622880। और अब आते हैं 10 फैक्टोरियल। जब आप 10 फैक्टोरियल मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3622880 × 10, तो अब आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 3622800। तो यहाँ आपका यूनिट डिजिट और 10th डिजिट दोनों 0 0 आ गए, मतलब आगे के जितने भी फैक्टोरियल है उनमें सब में 10th डिजिट और यूनिट डिजिट 0 0 होंगे। मतलब 10 के बाद के जितने भी फैक्टोरियल नोटेशन होंगे सबको अगर आप ऐड करते चलेंगे तो आपको 10th डिजिट तो 0 0 0 ही मिलेगा। तो अब ओवरऑल सबका 10th डिजिट निकालना है, मतलब इनको ऐड करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक के, यहाँ से लेके 9 फैक्टोरियल तक इनको ऐड करते चलें। तो यहाँ देखो ये 0, ये 0, ठीक है कि नहीं। फिर 0 0 0, फिर आएगा 4 4 और 6 10, फिर 0 हो गया, फिर 2 और ये 3, तो यूनिट डिजिट 3 हो गया। करेक्ट करेक्ट है। तो अभी देखेंगे यहाँ से कितना जोड़ा था, ये हो गया 0 0 0 0 0, ये 10, 2 12 13, 1 आपका बाकी है, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ से हम बात करते हैं 8 और 2 10, और ये 14 14 2 16, और ये कितना हो गया 18 18 और 2 20 20, और ये 1 21, करेक्ट, ये होगा। और फिर ये बाकी आगे के नंबर, ठीक है। तो ये यूनिट का डिजिट हो जाएगा और ये आपका टेंस का डिजिट हो जाएगा, करेक्ट है। और आपको टेंस डिजिट पूछा है तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप दैट ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ होगा।